इंडिया से हूँ, द क्विंट से, दिल्ली से आए हैं। आपसे बस ये जानना था कि हमें पता चल रहा है कि आप लोगों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन आया था। नहीं आया? तो सर ब्रिज जब खोला गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? पर ऐसी कोई अथॉरिटी तो है ना कि अगर उन्होंने आपसे चेक किए बगैर ब्रिज खोला तो कोई रोकना चाहिए? 5 दिन तक बिना चेक के ही ब्रिज चलता रहा। मैडम छुट्टी का टाइम था, उन्होंने खोला, इंटीमेट भी नहीं किया है। हाँ। और यहाँ पे ये है कि हिस्टोरिकल भी ये तो 130 साल पुराना सिस्टम है यहाँ पे, पर एट ए टाइम एक साथ 20 लोग का बैच ही जाता है हमेशा दोनों ओर से, बीच में भी सिक्योरिटी गार्ड रहता है। कभी भी 400 लोग एक साथ कभी नहीं गए, इससे पहले भी ओरेवा ने इसका मेंटेनेंस 10 साल किया हुआ है। नहीं सर, लेकिन हमें काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से पता चल रहा है कि आपके पास आया वो, लेकिन आप लोगों ने बोला फिट नहीं है मत खोलो, ऐसा कोई एप्लीकेशन आया था? नहीं आया। तो सर कल मतलब सिर्फ छुट्टी थी इसलिए आप लोगों को इंटीमेट उन्होंने नहीं बताया आप लोगों को कि छुट्टी थी? ऐसा नहीं मैडम, तो उन्होंने छुट्टी थी इसलिए नहीं बताया, तो बताना ही चाहिए कि भाई उन्होंने क्या रिनोवेशन किया, अब उसका कैपेसिटी क्या है, 20 लोग एक साथ जा सकते हैं या 50 लोग जा सकते हैं, क्या डिजाइन है सर। लेकिन कल को अगर मुझे टेंडर दिया जाता है एक रोड बनाने का या कुछ, और या फिर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का टेंडर दिया जाता है, और मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके मैं चला नहीं सकती ना, कोई अथॉरिटी चेक करेगी कि ये बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट? नो, आई मीन इवन इफ आई वांट टू स्टार्ट अ ब्रिज टुमारो, आई टेक द टेंडर। हैंगिंग ब्रिज है ना जी, आप एक काम कर सकते हैं, अभी जो हाई पावर कमेटी है उनमें भी जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डिजाइन है आरएनबी के, वो भी है मौजूद, जो ब्रिज का डिजाइन होता है या स्ट्रक्चर डिजाइन होता है या हैंगिंग का क्या होता है। आई एम नॉट सेइंग कि डिज़ाइन का क्या प्रॉब्लम, आई एम सेइंग कि 5 दिन तक एक ब्रिज आप लोगों की परमिशन के बगैर लोग यूज़ करते रहे, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर 5 दिन तक एक ब्रिज चलता रहा, और 5th डे पर इतना बड़ा ट्रेजेडी अगर हो गया है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हाउ कैन जस्ट द ओरेवा ग्रुप बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आप मैडम आप एग्रीमेंट देख लीजिए, उनको ओएनएम दिया गया है, संपूर्ण मेंटेनेंस दिया गया है, आप एग्रीमेंट के क्लॉज देख लीजिए। उनको शुरू करने से पहले फिटनेस उनको तो पता होना चाहिए कि गाड़ी की कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे कितना है। बिल्कुल, पर मैं कह रही हूँ अगर ओरेवा का फॉल्ट है, यू शुड आल्सो आस्क हिम, जो आप हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, यस, कि एक साथ 400 लोग एक साथ कभी भी नहीं आए, इनसे पहले भी उन्होंने मेंटेनेंस किया हुआ है। सर ऑफ कोर्स ओरेवा इज एट फॉल्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कल को कोई प्राइवेट बॉडी एक ब्रिज अगर बनाती है, अगर उनको टेंडर दिया जाता है एंड दे कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज एंड देन दे डू नॉट फॉलो द ड्यू प्रोसीजर, समबडी हैज टू स्टॉप देम, दिस हैज, ये ब्रिज 5 दिन तक चलता रहा। नहीं, ये सब आप बोल रहे हैं, उन्होंने जब भी ये किया है नोटिफाई, हमें तो 2 दिन पहले पता चला है ब्रिज के खुलने के। यस, तो अभी 2 दिन पहले हमें पता चला है, आज ही ये, कल ही ये दुर्घटना हो गई है। तो आप लोगों ने फिर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया सर? वी वर द फर्स्ट रिस्पोंडर हियर। नो, आफ्टर द ट्रेजेडी सर, बिफोर, आई एम आस्किंग कि भाई ऐसा नहीं है मैडम, ये बहुत बड़ी म्यूनसिपालिटी है, सब चीज़ हमें पता नहीं रहती, जैसे ये अभी खुला है, कितने आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, तो दे आर 2 जगह पे कंट्रोल है, उनका टिकट बारी है वहाँ पे, उनकी वो रेगुलेट कर रहे हैं उसको, इससे पहले भी उन्होंने किया हुआ है। सर आप लोग, मैं एक बहुत ही मेरा एक छोटा सा सवाल, आप ये मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस हिसाब से कि पुलिस है, कायदा है, फिर भी क्यों जी? और यहाँ पे क्योंकि आपकी जो, आप जिस डिपार्टमेंट के चीफ हैं वो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिटनेस सर्टिफिकेट देना, एक ब्रिज खुलता है। ऐसा नहीं है मैडम, आप पहले करेक्ट हो जाइए उसमें। हाँ, फिटनेस सर्टिफिकेट जिससे भी बनवा है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, देयर इज अ फिटनेस सर्टिफिकेट मैडम, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होगा अगर लाइसेंस है उसके पास, किससे करवाया है वो पूरा मेटल जो है उनके पास है, पुलिस अभी ले रही है, तो उन्होंने किसके पास रिनोवेशन करवाया है, क्या उनका डिजाइन था, उसकी कैपेसिटी क्या थी, जो हमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तब जाके वो आपको डिटेल पता चलेगी।